फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्स एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्स प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ये चुनाव है वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने जीता। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा रहे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल। हालांकि कांग्रेस का वोट बैंक है वो पिछले चुनाव की भांति इस बार घटा है, यानी कि पिछली बार 36,000 वोट मिला और इस बार 20,000 पे कांग्रेस सिमट गई, जमानत जब्त कांग्रेस की हो गई, यानी कि 16,000 वोट है वो कम मिला। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह बेनीवाल हैं, पूर्व विधायक हैं, दड़वा कला से रह चुके हैं और चूंकि टिकट की दौड़ में भी भरत सिंह शामिल थे, इनका टिकट काट करके पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया था और चुनाव नतीजे आ चुके हैं। क्योंकि इस पूरे चुनाव में भरत सिंह बेनीवाल हैं, कान का ऑपरेशन के चलते वो जो है बेड रेस्ट पे रहे, स्वास्थ्य लाभ लेते रहे, ऑपरेशन इन्होंने करवाया। तो अब हम पहला इंटरव्यू चुनाव के नतीजों के बाद इनका कर रहे हैं। विधायक जी, पहले जो आपका जो कान का ऑपरेशन हुआ वो अब ठीक है, स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है, अब तो ठीक हो गया, अब हफ्ते से ऊपर हो गया ना ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या दिक्कत क्या आ गई थी कि बीच में जाना पड़ा? यहाँ गांठ थी बड़ी जी। गांठ के नीचे रक्त दब गई थी जी। तो मैं जाके फिर यहाँ से फोर्टी में गया, फोर्टी में जाके उन्होंने 28 तारीख दे दी मेरे को जी। मैं बोलो इतना दिन मैं नहीं रुक पाऊंगा, मेरे से गांठ का दर्द बहुत है, या तो आप ऑपरेशन जल्दी करो नहीं मैं उधर कराता हूँ। फिर वो बोले मैं कल कर देता हूँ, तो कल कर दे तो कर दे, मेरे को चलने टाइम नहीं रुक सका, मेरा दर्द ज़्यादा है। फिर ठीक है बिल्कुल, हाँ अब ठीक है। हाँ मैंने देखी ये टंके टूंके खुलवा गया था 29 तारीख को, अब आराम है। डॉक्टरों ने कहा क्या, कोई सलाह दी थी क्या, अभी ज़्यादा नहीं बोलना या खाना खाना है? बोलो खाना खाना है तो हाथ लगा के यहाँ बोलने, बोलना कम जरूरी है, बोलोगे ज़्यादा तो यहाँ ये जोड़ में है, यहाँ सारी बहन होती है, यहाँ इसी का कान के नीचे आँख खोलने की बंद होने की नसें होती है, नसें होती है, थूक बनाती है वो भी होती है, मुंह को कंट्रोल करती है वो भी होती है, यहाँ सारी जगह होती है। मैं पहली मैथ्स हो गया, वो मैथ्स में गया था, उसने 3.5 लाख रुपया मांगे थे मेरा इस ऑपरेशन का, अरे बोलो 5 दिन भर्ती रखूँगा। फिर वो कहने लगे तो मसा लग गया, मैं नहीं करता, अरे अब 35,000 में ही हो गया मेरा, 35,000 में 40,000 रुपया जमा कराए थे, 35,000 में बृहस्पतिवार को किया था, शुक्रवार को छुट्टी मिल गई थी। तो आप XML रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो खर्चा है वो सरकार वहन नहीं करती? हाँ करती है, वो बाद में बिल पास हो जाए। हाँ बिल पास हो जाता है बाद में। और क्या कहना चाहेंगे, चुनाव के जो नतीजे आए, कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पे रही, जमानत जब्त हो गई, इस नतीजों से संतुष्ट हो आप कि कांग्रेस? मैं तो क्या संतुष्ट, जनता मंजूर करती है बोलो है, क्या करें, जनता के घने हाथ जोड़े थे इससे, पिछली बारी जोड़े थे, पिछली बारी अशोक तंवर लड़ रहा था जिससे हाथ जोड़ के लोगों ने इकट्ठा किया था, मैंने उससे पहले भद्दू को दे दी थी, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी, उसके बाद में मैंने इकट्ठे किए, इकट्ठे करके तंवर के साथ लगाए, तंवर का इलेक्शन हुआ था, तुगल यहाँ 35,000 से जीती थी, और उसके बाद में ये बीजेपी का कैंडिडेट पवन था, ये 35,000 के बजाय 10,000 से आ रहा था, और 3 महीना बाद में चुनाव था, मैंने लोगों को इकट्ठे किए, फिर दूसरे चुनाव में मेरे को टिकट मिली, मेरे को 35-36,000 वोट मिले थे। तो वो हमने दिल में जो रचिया होता है ना उसको वोट देते हैं, ऐसे नहीं देते, पैसे दे देते हैं, माला भी डाल देते हैं, रोटियां भी खा देते हैं दबाव में, प्यार के मान लो रिश्तेदारी के दबाव में, भाईचारे के दबाव में, बाकी वोट नहीं देते लोग, हाँ भर लेते हैं वोट नहीं देते, क्या इलाज है? तो कैंडिडेट नापसंद था
ये माना तो अगले जनता की मर्जी है बापा, क्या कह सका जी। नहीं तो नहीं, पिछले चुनाव में जैसे आपने चुनाव लड़ा 2019 में 36,000 वोट आए, इस बार 20,000 आए, तो कहीं ना कहीं 16,000 वोट है वो तो कान में से जुड़े हूँ लोगों के जी, लोगों के दुख सुख में साथी रहता हूँ, कान में जुड़े हूँ, वो हमदर्दी मेरे साथ है लोगों की, लोग मेरे को चाहते हैं, मैं लोगों को चाहता हूँ। 16,000 वोट है वो डाइवर्ट हुआ है, दूसरी जगह गया है, या किस तरह का जो लोगों ने मन बनाया वो क्यों, उसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर था या लोगों में अपना प्रभाव नहीं बना पाया? मेरे परिवार का भतीजा था, कमजोर तो नहीं था जी, मेरे अगलों के मन की बात है, मन में आप क्या बता सकते हैं, अगलों के मन में क्या था जी, क्या वोटर के मन में जो था वो भांप नहीं पाए, वोटर के मन में था वो, उन्हें हमने कहीं गए थे कांग्रेस को वोट दो, बोले जी नया है, मैं नया है तो क्या बात होगी, है तो झड़पेगा ही, कांग्रेस ही हमारा परिवार का है, मैंने बोले वो तो हम फैसले ले करेंगे हम। तो बीच में आप ऑपरेशन करवाने चले गए तो ये भी लोगों में मैसेज गया कि भरत सिंह जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ सिर्फ एक ही दिन एक ही दिन प्रचार करने गए आप? हाँ जी, वो दूसरे दिन दर्द हो गया था ना जी, देखिए गया मैं सारे भाषण में कर गया, वोट मांगे हूँ। तो आपने नाम तो नहीं लिया कि पवन बेनीवाल का? उनका लिया है नाम लिया, हाँ क्यों कौन लिया, अरे नाम लिए। तो वीडियो कुछ ऐसी वायरल हुई जिसमें कह रहे हैं कि भरत सिंह नाम ही नहीं ले रहे अपने भतीजे का, कैंडिडेट का नाम हाईकमान, हाईकमान कैंडिडेट है आपका, हमको पवन का क्या था, कांग्रेस को वोट दो, पवन कैंडिडेट है आपका, पवन को वोट दो और क्या कहूँ मैं, तो भी बात नहीं बड़ी। पंजाबी बेल्ट में हालांकि वोट अच्छा खासा मिला है लेकिन नाथूसरी बेल्ट में कुछ कम, ये पुराना हल्का हमारा पुराना तड़पा है ना जी, तो डाला सरकार में होते थे कुछ लोगों साथ नाराजगी, कई गाँव में कहे इसमें निर्माण में कहे निर्माण में कोई साथ का केस बन रहा था किसी पर, उसकी जाकी मैंने मदद की थी, वो सेलदा को उनको तो नो कहे अभी तू तो मेरे को मरवा रहा था फंसा रहा था, पृथ्वी नाम का पृथ्वी भाम हुआ नहीं है उसने कहा था कैंडिडेट को, कहा कैंडिडेट को दोनों को कहा था उन्हें। अच्छा फिर जवाब क्या दिया उसने, कहा मेरी गलती होगी माफ करो, बोले मैं तो नहीं तेरे पास गया तू ही आया मेरे पास, उसने कहा लोग देखेगा दास्ती करेंगे वो तो सामने तो करेगा जवाब तो देगा अगला, आप हाथ जोड़ेंगे तो अगला रेम करेगा, आप आंखें दिखाएंगे तो अगला गुस्सा करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका ही एक पॉइंट रहा कि जो जो कैंडिडेट था उसकी जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उसमें पैठ ठीक नहीं थी, ये बात नहीं, तो वो तो देखो अगला ही मर्जी होती है जी, आप क्या कह सकते हैं, अगला अगला ही सोच है वो तो, आप उनको हम तो आधी जोड़ सकते हैं वोट दो ये कह सकते हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट है आप वोट दो, तो वो तो अगला ही मर्जी है, आप 30 साल तक नीनोलो में रहे हैं, फिर 8 साल बीजेपी में रहे कांग्रेस में आ गया, तो वो तो जनता की सोच होती है, जनता ने अपन क्या कर सकते हैं। दो बार जवान जब्त, एक बार तो इस बार ऐसा हुआ उपचुनाव में, एक बार रमेश बादू के टाइम में कांग्रेस की जवान जब्त हुई थी, दो बार पिछली बार जो है आपको अच्छा खासा वोट मिला, आगे क्या रहेगा, क्या वो वोट एक बार 20,000 पे अटक गया तो आगे कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो तो अगले हमने हाईकमान की मर्जी है, वो टिकट पर बात है, टिकट किसको मिलती है, किसका मन लोग चाहते हैं उसी हिसाब से वोट देंगे। मतलब इस बार जो हमने भी गांव-गांव सर्वे किया, कहीं कहीं लोग ये कह रहे थे कि अगर ये टिकट भरत सिंह बेनीवाल को मिल जाती तो मुकाबला रोचक होता, आपको लगता है कि रोचक हो जाना था मुकाबला अगर आपके पास टिकट होता तो? नहीं, मतलब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकाबला तो होता, मुकाबले में कोई लड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं 12,000 से, मैं 11,500 से 35,000 36,000 पर ले आया था, तो लोग तो मेरे साथ जुड़े थे। 11,000 से 36,000 फिर 20 पे, फिर बूटी 20 पर आ गई। अब क्या बताएं, कैंडिडेट बदलने से आती है ना जी। अब मैं तो जनता में रहता हूँ, लोगों के खेतों में जाके दरी मारता हूँ, के प्लॉट में जाके दरी मारता हूँ, किसी की बहन बेटी की झगड़ा होता है उसमें जाता हूँ, कोई भाई भाई लड़ते हैं उसमें जाता हूँ, अब रात ही कोई कल रात ही रात की 1:30 बजे की लड़की का फोन आया था कि मेरे भाई को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, 1:30 बजे में अगले परेशान थे फोन करते थे, मैं उठाता हूँ तो मेरे साथ है ना लोग, मैं स्विच ऑफ करके सो जाऊँगा तो मैं मेरे कौन उठाए, जो डॉक्टर होगा या राजनीति होगा वो स्विच ऑफ कर देगा, वो फेल हो जाएगा, फोन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम तीन मोबाइल है, तीन सिम है मेरे पास, तीनों चलते रहते 24 घंटे चलते रहते।
अब आप दड़बा में जाके आए, अब कोई चुनावी कोई चर्चा चल रही थी या वैसे ही? ना, मैं तो ऐसे कल दिवाली है ना, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो जाके आए तभी गांव में ठीक ठाक है सर, मिल के आए थे उनको चुनावी बात। दड़बा में तो कांग्रेस जीती है इस बार? हाँ, कांग्रेस जीती है। दड़बे दड़बे गांव का था, वो तो जीतनी थी गांव में, गांव का कैंडिडेट होने के बाद। जब आप लड़ते थे तब भी जीतते थे? उधर से दड़बा से? नहीं, मैं आ रहा था। अच्छा, आप आ रहे थे? मैं आ रहा था। तो इस बार गांव की गांव का कैंडिडेट होने के कारण जीते? एक ही कैंडिडेट था ना, एक एक। आपके टाइम में दो हो गए थे? ठीक है, दो थे, उससे पहले तीन थे हम दड़बे के। एक वो बनी हुई पार्टी से था, वो ही हमारे परिवार का था। अच्छा अच्छा। हाँ, तीन थे, उससे पहले बार तीन थे, तो वो तो बदल जाता है। अभय सिंह ने चुनाव जीत लिया ये, हालांकि मार्जिन जो उम्मीद जताई जा रही थी मार्जिन उतना नहीं मिला। पिछले बार 12,000 से जीते और इस बार जो है 6700 वोटों से 39। क्या कहेंगे? नहीं तो चलो, जनता ही मर्जी है, किसको वोट कितने देने वो तो मर्जी की बात है। ये कंडा नहीं आ गया, ये ले गया वोट कितने देगा, देखो इसकी सोच ही नहीं थी हमारे को इतना वोट इसके पास आ जाएगा। ये हमारे को तो ये लग रहा है 10-20 हज़ार में रहेगा, अब कितने वोट लेंगे, मुकाबले के वोट लेंगे। जहाँ पे विरोध था वहाँ पे भी वोट मिले इसको? हाँ, वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं। तलवाड़े में जीता है, तलवाड़े में उसने बात ही नहीं करे, और फिर भी जीता है अगला 300 वोटों से। नस्तूरी में 400 वोटों से जीता है। तो ये जीत लोग कहते हैं कि पैसा बांट दिया, इससे भी फर्क पड़ा है या वैसे या वो पार्टी को भी वोट मिला है? दोनों ही बातें हैं, कोई पैसे दे गया कोई पार्टी को दे गया, वो तो क्या पता है। दोनों बातें हैं। हाँ, दोनों पैसे तो दोनों पास से बांट रहे थे, लोग बता रहे थे, हमारे को तो हमने तो देखे नहीं, लोग कह रहे थे बांट रहे पैसे। हाँ, पैसे बांट रहे, लोग कह रहे थे। आगे क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है, सरकार ने जो कहा था कि 3 साल सरकार पे भरोसा रखो, विकास कार्य होंगे, हालांकि तो सरकार की मर्जी है, अब आगे कुछ काम होंगे, क्या लग रहा है? उम्मीद नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, सरकार करे ना करे वो तो उनके, सीट जीतती तो ज्यादा करते नहीं, ना करे अगला ही आ रही है। सेम पे काम शुरू हुआ, कुछ नहरों में पानी भी पूरा किया, सेम पे काम हुआ, सब में ही होता है पूरा यार, इलेक्शन टाइम में तो कर ही देते हैं। वैसे आपको लगता है कि भी और रेगुलर नहीं होगा ये काम? रेगुलर हो तो सरकार की मर्जी है, करे तो करे नहीं ना करे, उनकी सीट हरी है ना करे। तो कांडा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इतना बड़ा जो है जनमत तो उसको दिया ही है, वोट उसको खूब मिला है, यानी कि 50,000 प्लस वोट मिला है, 57,000, तो उससे हाँ तो वो लोग उससे उम्मीद तो जता ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? वो तो उनकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं, उनकी सोच है, जाना तो चाहिए लोगों के। लोगों में जाएगा तो अगर आपका पेट बना लेगा, अगर नहीं जाएगा तो जैसे सर से भी नहीं आ रहा तो पेट कम बनेगी, जैसे रानिया से लड़ा था, रानिया नहीं गए तो वो तो फिर भी लोगों ने वोट तो खूब दिए। रानिया में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद रानिया को नहीं संभाला, आप कह रहे हो, और अब एलनाबाद में चुनाव लड़ा, अब एलनाबाद को नहीं संभालेंगे, फिर वोट कैसे देंगे लोग? वो तो लोगों की सोच होती है, अब क्या करें, वो तो लोगों की सोच है, हम तो संभालते रहते हैं, लोग नहीं संभाले, बिल्लू भी नहीं संभालता, बिल्लू को दे रहे हैं, बिल्लू कितना कहता है, ना किसी के ब्याह में आता है, ना शादी में आता है, ना मौकान में आता है, उसको दे रहे हैं लोग, कितने साल होगी देने का मन बन जाता है, लोगों का मन बन जाता है, मन बना रखते हैं, कोई मन तोड़ देते, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, वो तो उनकी मर्जी है। और बाकी इस चुनाव में जिस तरह से इनेलो ने जीत दर्ज की है, तो किसान आंदोलन को लेकर के इस्तीफा दिया गया था, तो अब ये आपको लगता है कि ये चुनाव पूरा किसान आंदोलन के मुद्दे पे लड़ा गया, या किसान आंदोलन का कितना कसर मानते हैं? इतना ज़्यादा नहीं था ना, कोई किसान के लिए इस्तीफा दिया गया, और तो आपकी सभी खातिर दिया गया था, वो आपको पहले ही बताया था मैंने, बाकी वो नहीं था, किसान का क्या फायदा था, एक 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 किसान के फिर चुनाव लड़ने जरूरत कही थी, किसान के लिए दिया था, अब कि वो मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा चल रही है, हम कह रहे हैं विधानसभा में लड़ाई लड़ूंगा किसान की, तो पहले लड़ लेता, पहले क्यों छोड़ा, पहले नहीं छोड़ना चाहिए, किसानों की लड़ाई लड़ता है, तो ये दिया था कि अगर वापस नहीं होंगे तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब विधानसभा में पहुंच के किसान की लड़ाई हम 3 काल, अब ये कहते हैं कि अगर किसान कहेंगे तो फिर से इस्तीफा दे दूंगा, ये कहने की बातें होती है लोगों को, कहने की बात होती है। आपको लगता है कि फिर इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे ये कहा भी किसान अगर कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, कल कहा है अभय सिंह चौटाला, पहले कह रहे थे चुनाव ही ना लड़, क्यों लड़ा, फिर
चुनाव ही ना लड़ किसानों ने दिया गया, अभी हमारा मुद्दा खत्म ही नहीं है, चुनाव लड़ने का तरीका क्या है? और किसानों ने क्या था, किसानों ने तो आके सपोर्ट भी करी कि गठड़ी में जितना सामान है वो गठड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वो वापिस कर दो, सवाई करके दे दो। नहीं, वो ऐसे कहने से कोई नहीं देता। उसमें जो ये कहता है ना कि भाजपा को मत देना और किसी को देना तो वोट ज्यादा आते। वो लोगों ने ये कहा बिकी गया बिकी गया किसान बिकी गया, ये कहा लोगों ने। सरकार की भी बुराई की, तो कहीं ना कहीं जो गुरनाम सिंह चन्नूनी है उनका तो ये था, बोल गया था जो किसानों के हिसाब से बोल गया था ये लोगों ने फिर मानी क्यों नहीं किसानों ने, कांग्रेस 20 पे क्यों? दूसरी बात कह गया, दोनों कंफ्यूज हो गए ना लोग, जनता वो कोई कह गया वो कोई कह गया, वो किसानों की बात पर तो नहीं रहने की जाए, एक एक सही कह गया एक गलत कह गया, अब किसी को गलत माननी है किसी को सही माननी है वो तो क्या कह सकते। तो फिर वो लोगों ने अपनी मर्जी से ही दिया, फिर वो मर्जी से वोट दिए, जिसको ज्यादा आगे जिसको कम रहेगा बस वो बात नहीं मानी गई। तो मैं कुछ ही कहूँ, मेरे भाई कुछ कहे, मेरे बेटा कुछ कहे, वो उसमें फर्क आ जाता है ना, इन्हों की एक राय हो तो चलो कुछ लोग दिमाग में बढ़े और जायज कहें, तो फिर जायज ना कहें गलत कहें तो फिर लोग नहीं मानते, कम मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो है 3 साल बाद फिर जो है चुनाव होगा, तो इस चुनाव को लेकर परिस्थितियां क्या रहेंगी, जो आज परिस्थितियां वही रहेंगी या कुछ बदलेगा समीकरण? नहीं, वो तो कैंडिडेट पर बात होगी जी, कैंडिडेट कौन सा जनता का मन मोह पाएगा। अच्छा, जनता का मोह पाएगा वही होगा। अब अभय सिंह का तो बने हुए वोट है, तो दादे के नाम का बने हुए हैं, इनके इनके आपके नहीं है, इनके दादे के नाम के हैं, वो वोट बने हुए पड़े हैं। अब यहाँ कांग्रेस का नया नया कैंडिडेट आ जाता है तो उसका क्या करें वो लोग। हमें 9 चुनाव में मेरी 5 बार 4 बार कट ली, 5 चुनाव लड़ लिए मैंने, अब मेरे को बदल देते हैं जी करा दी। जब मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ पहले गौशाला गेट खोल दे, गौशाला खाली हो जाए फिर उठी मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ फिर गौशाला गेट खोल दे छोड़ दे, फिर रोइया चढ़ दिए जानवर। जनता बोली बाली जनता है। अब आप 3 साल के लिए फिर लोगों को इकट्ठा करोगे? नहीं, मैं तो इकट्ठा ही हूँ, मैं तो जनता में रहना, मेरे को क्या है, मैं तो जनता में रहूंगा। गेट तो नहीं खुलेगा 3 साल बाद, आपको लगता है कि गेट खुल जाएगा? नहीं, अब खुल रहे थे उनको इकट्ठा ही करेंगे और क्या करेंगे, अब तो गेट तो खुला ही पड़ा है। कल से जिस तरह से जो नतीजे आए उसके बाद आपके पास भी फोन आ रहे होंगे हल्के से लगा? फोन तो आ रहे जी, हमारा मन करा वैसे वोट दे दिए हमने, मन क्या कांग्रेस को देने दिए, इतनी नीति कांग्रेस के लोग कैंडिडेट बदल देते हम क्या करें, हमारा तालमेल ही नहीं है इनके साथ, तालमेल बगैर वोट नहीं दे जाते। तो ये कांग्रेस में ये चीजें क्यों हो रही हैं? एक तरह से तो कलह है ही कि गुटबाजी है, जैसे अब हुड्डा साहब ने भी प्रॉपर तरीके से, जहां बड़ौदा चुनाव जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा ने लड़ा, उन्होंने पूरी वहां पे मेहनत करी, लेकिन यहां पे जो है मेहनत उस तरीके से नहीं दिखी। भूपेंद्र हुड्डा एक दिन आए और उन्होंने ये भी कहा कि गोपाल कांडा उनके मित्र हैं, सरकार में उनके सहयोगी रहे हैं, तो इससे भी लोग जो है कांग्रेस के लोग है वो तो कहीं ना कहीं इशारा किया गया। साथ में रहे लोगों ने सोचा है, लोगों ने क्या सोचा है क्या बता सकते हैं। किसी कैंडिडेट के लिए वोट आप मांगना और एन मौके पे ये कह देना कि गोपाल कांडा मेरा दोस्त है, तो कहीं ना डाइवर्ट आजाद खड़ा हुआ था सरकार में रहा था, थे मजनाल के लड़के के साथ थे, वो भी कांग्रेस में रहे थे, तो वो तो रहे तो है ही, उसमें क्या है। ये बात स्टेज पे कहना कहीं ना कहीं लोगों के लिए, बड़े लोगों की सोच है, हम क्या कह सकते हैं, बड़े लोगों की सोच है, सोचने आप थोड़ी बदल सका, बैंक मुकाबला अपन लीडर तो हाँ कौन, आप क्या कह सकते हैं, अपने जो बड़े लीडर है वो हाई कमांड है, उनकी मर्जी है जो बोले, और शेर वाली बात है, इंडिया दिया तो इंडिया, बच्चा दिया तो बच्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी काफ़ी मेहनत करी, गांव-गांव एक एक गांव में दो दो बार उन्होंने दौरा किया, लेकिन उस तरीके से वोट नहीं मिला, कमी कहाँ रही, क्या मानते हो आप? कमी
तो क्या ये कमी तो जनता के मन की बात है, मन जो टिकाले वहाँ टिकाले में जनता नहीं रहा, तो नहीं रहा, जनता की मन की बात है। तो अभी जो है कल जो है दिवाली के बाद जो है आप भी इस हल्के में सक्रिय होंगे, लोगों के बीच जाएंगे, दोबारा कार्यकर्ता जो इधर उधर चले गए थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे? नहीं, वो तो देखो मेरे को बुलाएंगे या मेरे को जरूर समझेंगे या मैं जरूर समझू, मैं जाऊंगा। मेरे दुख सुख के साथी है 30 साल 40 साल से, मैं उनके जाना जाना रहेगा मेरा, ब्याह शादी में सारी जगह जाना है। जो आपका जो रिकॉर्ड कंप्यूटर में, कांग्रेस के कंप्यूटर में फीड था आपका रिकॉर्ड, तो आप उन लोगों को भी कहोगे कि पिछला रिकॉर्ड देखिए, ये रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चलेगा वोट डिफरेंस क्या है? मैं क्या कहूँ, जनता कहने लग रही है आपकी, या उनका आंकड़े बता देंगे? आंकड़े बता देंगे, वो तो कंप्यूटर में फीड ही होते हैं, वो तो क्या है। मैं 91 चुनाव लड़ा था, 90,000 वोट थे, 32,500 वोट रहे मेरे, 32,300 कुछ 45,000 ऐसे वोट आए रहे। उसके बाद में केवी जी ने लड़े 16.5 पर आ गया, फिर 19.5 पर रह गया, और उसके बाद मेरे को टिकट मिली, मैं सीधा ही 61 पर गया। जनता के साथ प्यार से ही वोट मिलते, ऐसे नहीं मिलते, मन जीतना पड़ता है, वैसे नहीं वोट देते, मन जीतने पर वोट मिलता है, ऐसे वोट नहीं देते। इतने बोले रहे नहीं लोग, जनता जो बड़े लोग हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा है, जनता कड़ी ज्यादा है, बड़ी नहीं है, कड़ी कड़ी ज्यादा है, सोच के वोट देती है, इस बार भी सोच के वोट दिया, वो सोचा ही होगा कुछ तो उन्होंने, हाँ सोचा ही है, सोच के वोट तो सोच के खेलते हैं कोई कोई, ढोलकी पास जाता जाते हैं सोचता है। अब मैं गया था काम में, वहाँ फोन करा था, तीसरे से अगला बटन दाबना है, तीसरे निशान से अगला दाबना है, तीसरा निशान ही तीसरा था, अगला दाबेंगे तो गलत दब जाएगा, अपन तो कह रहे तीसरे से अगला बटन दाबना है, तीसरे से अगला तीसरे से अगला यानी तीसरे से अगला, तीसरे से अगला यानी कि दूसरा चौथा हो गया, नहीं तीसरे से अगला, तीसरे से अगला चौथा हो गया, चौथा हो गया जी। अपन तो कह मैं यार मैं वोट डाले मैं तो तीसरा नंबर है, अपन कह रहा था तीसरे अगला, तीसरे हाथ के निशान से अगला दाबना है, जो हाथ का निशान उसके सामने बटन दबाना है वो कहे नहीं कभी, तीसरे से अगला बोलते रहे। पहले तो एक दिन तो कह रहा है पहला निशान अपना है पहला दबाना है, कई जगह भाषण किया था मेरा, आपको रिकॉर्ड में बात है, क्या क्या बोले, बोले पहला बटन अपना है कह रहा था, नहीं ये पहला बटन तो उसका अभय सिंह का था, दूसरा नहीं वो किसी का पहले गया, एक दो जगह भाषण में क्या है, अब वो तो मन तो पता को नहीं होगा कि जो नंबर आएंगे बोला है, तो आपने जाकर के ईवीएम से देखा कि ये तो नंबर है, वो वोट लगाने लग गया, वहाँ बैठे थे एजेंट पे बैठे थे, वो तो तीसरा नंबर है, पौन कह रहा था अगला है, तीसरे से अगला दाबना है, हाथ के निशान से अगला है दाबना है, अगले सामने वाला का होगा ना, सामने वाला नाम ही नहीं दिया सामने वाला, इससे वोटर कंफ्यूज तो हुआ है, हाँ वो देखो उसकी वो सोच थी निकलना चाहिए हाथ के सामने वाला, वो तो आप ये कहते हैं हाथ के सामने वाला तो वोट सीधा जाएगा, तीसरे से अगला हाथ के निशान वाले अगला दाबना है, कभी कहता था तीसरे से अगला दाबना है, ये कह रहा था तो कंफ्यूज हो गया, हाँ वो तो उनकी सोच थी, अब क्या कहते, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, जिन्होंने इस चुनाव को लेकर के जो है तमाम चर्चाएं की, लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कांग्रेस की जो है जमान जब्त हो गई और कई तरह के जो है कारण हैं वो ढूंढे जाएंगे कि क्या बड़े कारण रहे, लेकिन जो है उनको लेकर के हमने कुछ चर्चाएं भी की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया।